हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो सोनी चूल्हे पर पोता लगा रही है, और हमारे यहाँ पे पोता ही बोलते हैं इसको। सुबह सुबह मॉर्निंग में काफी सारे काम होते हैं। प्रणाम माता बहनों सभी को। आज मैं देखूं, आज सोनी काफी स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रही है, और ये रेसिपी हमारे पिताजी की मन पसंद रेसिपी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी सभी के साथ शेयर की जाए, क्योंकि इस तरीके से जब सोनी खाना बनाती है तो हमारे पिताजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं भी सोनी के साथ मदद करवा रहा हूँ जिससे जल्द से जल्द खाना बन जाए, क्योंकि छत पे हमारी धूप हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी हरी मिर्ची ले लिए सोनी ने 5-6, और आलू ले लिए हैं, होंगे आलू करीब आधा केजी से ज़्यादा, 1 केजी आसपास आलू है। और ये आलू सोनी ने छील दिए है, लेकिन छीलने नहीं चाहिए। गाइस, सोनी ने 3 आलू छील दिए, लेकिन आलू टमाटर की सब्जी बनाते तो आलू छील के सब्जी खाने में वो उतना आनंद नहीं आता है, तो इसलिए अब आलू हम छीलेंगे नहीं। वो 3 छिल गए जो छिल गए, बिना छीले आलू अच्छी तरह से साफ कर लेंगे जब सब्जी बनाएंगे, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी आलूओं को अच्छी तरह से साफ करेंगे घिस घिस के। एक आलू में से 4 फांक कर दो। बढ़िया। यो गाइस, का ले रहा है? पहले मुंह धो लो, ब्रश कर लो। दीदी कहाँ को सोनी? खेले भी। अभी आलू कट गए हमारे, आलू रखे हैं, और अभी इनके लिए बनाएगी सोनी मसाला। तो कैसे कैसे बनाते हैं देखिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐसे डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा कम, 1 ही चम्मच डाल दिया। अभी इसमें हम पानी डाल के रख देंगे जिससे ये फूल जाएगा। और अभी सोनी मसालों को पीसेगी, सिलबट्टा चलेगा, सिल पे जो मसाला पीसती है, सब्जी भी काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है गाइस। और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ पे सिलबट्टा चलता है कि मिक्सी मशीन चलता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी अदरक और लहसुन पीस दिया है, हरी मिर्ची प्याज उस साइड में रखी है, अभी इनको डालेंगे। अभी हरी मिर्ची डाल दी, अब वो टिक्की बनाई थी हमने तिली का, अब बच्चे सुबह सुबह का नाश्ता हो गया तैयारी के लिए, अभी नाश्ता कर रहे हैं। और देखो कितना मस्त टिक्की बनाया था, कैसा लग रहा है बेबे के योगेश? ये देखिए, ये एकदम ये बाजरे के आटे का टिक्की बनाया है, और काफ़ी स्वादिष्ट है, और काफ़ी क्रंची भी है, एकदम कड़क और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये है बाजरे की गजक स्पेशल। तो अभी सुबह सुबह इसको नाश्ता में यूज करेंगे, अभी बच्चे खा रहे हैं। हमारी अम्मा को बहुत पसंद है। काय को रो रही सोनी? प्याज। हाँ, काय को रो रही है? तो चली जाइए अपनी मम्मी के यहाँ। हैं? प्याज घुस गई है। ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया, लेकिन इसने सोनी को रुला दिया आज। आज प्याज ज्यादा ही लग गई आंखों में। अभी चूल्हे में आंच बढ़ाएंगे और फिर पकेगी हमारी सब्जी।
अभी हमारे यहाँ पे सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी पड़ती है। अभी सरसों का तेल डाल दिया है सोनी ने सब्जी बनाने के लिए एक चम्मचा। योगेश कितना टाइम है, क्या बज गए? 8:10। तो पड़े देखा तैयार है बेटा, कब लेट है जाए फिर तुम फालतू बैठे रहे, ठंडे लगी आज तुम पड़वे ना बैठे। ये देखिए इसको स्टोर करके रख दिया है, अभी इसको बच्चे खाते रहेंगे 2-4 दिन के लिए तो खाएंगे, फिर बना के रख देंगे फिर खाते रहेंगे। काफी मस्त मस्त ये सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया है, दिन में खाओ जब भूख लगे जब खाओ। जीरो है, एक चम्मच जीरा डाल दिया है, लहसुन प्याज हाँ जो अभी सिल पे बटी थी वही पूरा मसाला है। अभी इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे कढ़ाई में डाल के। योगेश स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, ये हमारा मसाला पूरा फूल चुका है अभी एकदम मस्त हो गया। आज की रसीली सब्जी बनेगी बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट। अभी मसाला बढ़िया अच्छी तरह से भुन गया है, अभी डाल देंगे आलू। साजो आलू काटा भी ना ने आलू बाजे बा। अभी योगेश हो गया तैयार, आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ, आयरन की कमी नहीं आएगी शरीर के अंदर। बढ़िया अच्छी तरह से मसाले को मिलाएंगे आलूओं में एकदम, इसको थोड़ा भूनने देंगे, भूनने देंगे इसको, ढक्के रखेगी इसको ढक्के रखेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये अच्छी तरह से भून भी जाएगा, मसाला आलूओं से चिपक जाएगा। अभी सोनी टमाटर काट रही है, जो टमाटर रखे थे सब्जी में डालने के लिए तो इनको कटिंग करके रख देंगे। सोनी धनिया आता है, धनिया डल जाएंगे तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा। अभी इसको ढक के रख दिया है, अभी देखेंगे इसको 1-1.5 मिनट के बाद। गैस हमारी अम्मा जी आ गई हैं और तापेंगी, ठंडी पड़ रही है। अम्मा राम राम, बैठो तापो चूल्हे पे। नहीं मत करे, कल वो बनावेंगे रायता। अभी 2 मिनट के बाद सब्जी को चला देंगे जिससे सब्जी लगे नहीं और मसाला भी अच्छी तरीके से। ये देखो अभी कितनी मस्त सब्जी दिख रही है, और इसमें डालेंगे पानी अपने हिसाब से डालो, आप कितना पतला करोगे कितना रसीला करोगे अपने हिसाब से रखो। ये देखिए सोनी ने पूरा तालाब भर दिया, ताल भर दो ताल। अभी इसको ढक के रख देंगे, अब देखेंगे इसको 10 मिनट के बाद। हाँ अब बन गई सोनी, अभी इसमें हो गई 10 मिनट से ऊपर हो गई, और अभी सब्जी आलू देखिए फोर गए, बन गई क्या थोड़ी कसर है। अभी टमाटर डाल के इसको 5 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। थोड़ी सी कसर रह गई है गाइस सब्जी बनने में, और आप देख सकते हो कितनी मस्त खुशबू आ रही है। अभी देखिए सोनी ने धनिया कटिंग करके रख दी है, और अभी सब्जी में बस सब्जी बन गई, आलू फोड़ रही है, 2-4 आलू इसमें से फोड़ देंगे जिससे तड़ी बन जाएगी गाढ़ी, और इस डल जाएंगे धनिया जब सब्जी में आएगा जायका। अभी डालेंगे हरे हरे धनिया, कम करके लाओ तो भल्ली आ रहे हैं।
सब्जी उतर गई गाइस और आटा भी लग गया। बस अब तो खाना बनाना है और बच्चे भी हो गए तैयार स्कूल के लिए। और ये धनिया डल गए, अब आएगा सब्जी में असली स्वाद। हाँ, धनिया डालते ही खुशबू आ जाती है। ये देखिए कितना मस्त सब्जी बनाया हुआ है लोहे की कढ़ाई में, वाह क्या कहने। अभी बच्चों के लिए सब्जी ठंडी कर देते हैं और जब तक रोटी बनाएगी सब्जी ठंडी हो जाएगी और बच्चे खाना खा के जाएंगे स्कूल। विवेक बोल रहा है सब्जी बहुत मस्त बनी है। विवेक ने मम्मी की तारीफ कर दी। पहले तू रोटी खाए बैठो या कहिया की रोटी तो दया पहला है। कहिया की रोटी सीखी जाते क्या जा? डालते रोटी फूल गई भाई, तो देख कितनी मस्त रोटी बनाई, फटोल सी कड़क रोटी सूखी है। ये देखिए कितनी मस्त रोटी है, एकदम करारी करारी। सोनी ने इसमें छेद कर दिया है, ओ चिमटा मार दिया इसके अंदर। बन गई रोटी वैसे, अभी पूरा खाना बन गया। देखो सोनी ने सारी रोटी बना दी और अभी नहा धो के खाना खाएंगे। ये देखिए कितनी करारी करारी मस्त मस्त रोटी। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आप खाना खा लीजिए, खाना आपके लिए आ चुका है।